क्या जाति के आधार पर लोगों को बांटने के लिए ये किया जा रहा है, ये आरोप लग रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि जाति जनगणना करवा लीजिए, किसने मना किया है? क्या आप जाति को नहीं मानते हिंदुस्तान के अंदर में? क्या हिंदुस्तान में ऐसा लिख दिया गया है कि आप अपने नाम के आगे जाति नहीं लगाएंगे? फिर क्यों आपने सरनेम रखा हुआ है? भाई जाति जनगणना करा लीजिए, किसकी जितनी जिसकी जितनी संख्या उसके हिसाब से उसको महत्व दे दीजिए। किसने आपको मना किया है? जाति तो सबसे पीछे, भाई इस हिंदुस्तान में जाति के बगैर तो आप कोई बात कर नहीं सकते। हर चुनाव पे आप देख लो, हर जगह देख लो, जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। क्यों जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है भाई, आप बता दीजिए मुझे। जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता, उसमें सरनेम नहीं पूछा जाता आपसे। तो आप जब इतना जोर मारते हैं हर चीज में, एग्जामिनेशन में भी आपको मांगेंगे, कॉम्पिटिशन में भी मांगेंगे, तो जनगणना भी करा लीजिए। किसने आपको मना किया है? या तो फॉर्म पे लिखना बंद कर दीजिए जाति का, जो आप फॉर्म देते हैं एग्जाम का। तो इसलिए मैं क्या, कॉम्पिटिशन में आप इसको बंद कर दीजिए। तो सवाल ये उठता है कि हमारा जो देश है वो विभिन्न जातियों का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है, तो हम लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो और उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि मैंने एक ही लाइन पहले बोली थी, फिर रिपीट कर दे रहा हूं, सियाराम में सब जग जानी। जब भगवान कण कण में है, हर जगह भगवान है, तो फिर आप खोज कहां रहे भगवान को? मैं ये जब पूछना चाहता हूं आपसे। आप हम लोग तो भगवान का आदर करने वाले लोग हैं। आप सबसे ज्यादा श्लोक कौन पढ़ता है डिबेट में? मुझसे ज्यादा तो कोई नहीं पढ़ता। हाँ, हो सकता है कृष्णम जी, चूंकि और हमारे महंत राजू दास जी बैठे हैं। राजू दास जी नमस्कार, अभी आपसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन राजू दास जी भी बैठे, वो भी श्लोकों का मंत्र बहुत उच्चारण करते हैं। कई बार हमारा उनके साथ कॉम्पिटिशन भी हो जाता है। तो इसके मतलब क्या हम राजू दास का सम्मान नहीं करते? वो हमसे मिलते हैं, उनको उनको हमेशा प्रणाम करते हैं, वो हमेशा मुझे सम्मान करते हैं। हम गुरु जी को मिलते हैं, हम प्रभु जी से मिलते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संतों का सम्मान किया जाता है। इससे तो हम नहीं मुकर रहे कि संतों का सम्मान नहीं किया जाता। आप जब भी मिलते हैं मैं सम्मान करता हूँ। पूछ रहे हैं समर्थकों के द्वारा जो रामायण की प्रतियां जलाई गई है वो सही है? मैंने आपसे पहले बोल दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य दिल पे हाथ रख के बताइए, मेरा व्यक्तिगत बयान है, सुन तो लीजिए। उन्होंने भी बोल दिया मेरा व्यक्तिगत बयान है, उन्होंने पहले ही बोल दिया। और हमने बोला ये पार्टी का बयान नहीं है, और इसको आदरणीय सुखपाल जी ने भी बोल दिया था, पार्टी का बयान नहीं है। एक सवाल, हम किसी तरह अनुराग भदौरिया जी प्लीज, एक सवाल, क्या आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सहमत हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थकों ने रामायण की प्रतियां जो जलाई है उससे सहमत हैं? मैंने बोल तो सीधा जवाब दे दीजिएगा। मैंने आपसे बोल दिया कि मैं किसी भी चीज का इस तरह के बयान से सहमत नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, उन्होंने तो बोल दिया। उसके बाद बार बार इसी बात पे जोर मारना, इसी बात को पूछना, इसके मतलब कि कहीं ना कहीं मनसा में कोई खोट है। और फिर राजू दास जी नमस्कार, महंत जी मेरा नमस्कार, आशीर्वाद दे दीजिए, ये मानने को नहीं तैयार। आप बताइए हम आपका कितना सम्मान करते हैं। महंत राजूदास जी, जी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य को तो जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है समाजवादी पार्टी का। जलाओ अनुराग जी, आपसे दोस्ती बता रहे, बोलिए। राजूदास जी के सम्मान का नहीं है सवाल, हमारे सम्मान का नहीं है सवाल, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का तो है ना। तो बोल रहा हूँ कि समाजवादी लोग सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं, वही तो कह रहा हूँ बार बार। अरे मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी लोग सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग हैं, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। राजूदास जी बोलिए जी। देखिए, जिस प्रकार से सेकुलरिज्म के नाम पर, धर्म निरपेक्ष के नाम पर सनातन संस्कृति को टारगेट करना, अभी स्वामी जी ने कहा है आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कि भगवान राम सबके हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ना किसी एक दल के हैं, ना किसी एक पार्टी के हैं, ना किसी संप्रदाय के हैं, पारब्रह्म परमात्मा सबके हैं। तो मैं भदौरिया जी से पूछना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जहरीले बोल क्यों? क्या महर्षि वाल्मीकि से बड़े वो कभी हैं क्या? क्या गांधी जी से बड़े राष्ट्र के शुभचिंतक हैं क्या? लोहिया जी से बड़े शुभचिंतक हैं क्या? लोहिया जी की विचारधारा, गांधी जी की विचारधारा, भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान के मूल प्रति में रामचरितमानस, क्या उससे बढ़ के हैं क्या? तो विषय गंभीर है सस्ती लोकप्रियता के लिए। जिस प्रकार से बार बार सनातन संस्कृति को गाली देना, टारगेट करना, ये अच्छी बात नहीं। ठीक है, अब जवाब सुनिए। देखिए अनुराग, हाँ बिल्कुल, एक बार विनोद बंसल जी भी बोले, एक साथ जवाब दे दीजिएगा दोनों, आज आप ही को देना, उसके ब्रिज लाल जी उसके बाद आऊंगी। विनोद जी, विनोद जी
देखिए अंजना जी एक प्रश्न सुन लीजिए, मैं मेरे मन में एक प्रश्न आई गया, मैं सोच रही थी पहले आपकी टिप्पणी सुन लूं, लेकिन विनोद जी प्रश्न है कि जानबूझकर हिंदू धर्म में जो हार्मनी है उसको बिगाड़, मतलब जो लोगों में एकजुटता है उसको तोड़ने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान आया है। बार बार आप लोग ये हमेशा क्यों दिखाते हैं, हिंदू धर्म को इतना कमजोर है क्या कि हर तरफ से कोई वार कर दे, कोई एक बयान दे दे और सब अलग हो जाएंगे, जाति में बढ़ जाएंगे, ये बार बार ये धर्म में डर क्यों इंजेक्ट करते हैं आप लोग? नहीं अंजना जी, हमें किसी चीज का डर नहीं है, ये तो सनातन है, सनातन था और सनातन रहेगा। लेकिन एक बताऊं आपको मैं, ये डर है उन लोगों को है जिनको लग रहा था कि हम वोट बैंक की राजनीति को साथ लेंगे, ये कहकर के अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, हम वोट बैंक की राजनीति को, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति को साथ लेंगे, ये कहकर के मैंने अभी तो एक दर्जन मारे हैं और बाकी और कार सेवकों को मरवाने की जरूरत पड़ती तो मैं और भी मरवा देता, उसमें मैं गर्व का महसूस करता। ये तो वो राजनीति करने वाले लोग हैं जिन्होंने न सिर्फ रामचरितमानस पर बल्कि रामायण पर और भगवान राम और माता सीता के ऊपर लालछन लगाए। और ये देखो ये जो जीजा साले की जो पार्टी है ना, एक बिहार में एक उत्तर प्रदेश में, ये दोनों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। लेकिन इनको नहीं पता ये राज्य बर्बाद नहीं होंगे, सनातन हिंदू बर्बाद नहीं होगा, उसको कोई खतरा नहीं है, खतरा है तो इनकी पार्टी को। क्योंकि मेरा, मैं आपको बता रहा हूं, आज आपके लिख के रख लेना, ये बयान और हिंदू द्रोही ये चेहरा, ये समाजवादी पार्टी की का उत्तर प्रदेश के अंदर जनाजा निकालेगा, लिख के रख लेना अंजना जी। ये जो जिनका राजनीतिक धरातल रसातल में चला गया, उस खोई हुई जमीन को टटोलने का जो दुष्प्रयास कर रहे हैं अब नहीं मिलने वाली, अब गया। क्योंकि देखिए, जिसने जब जब रामद्रोह किया उसकी सजा उसको मिली है, और अब तो रामद्रोह नहीं, अब तो गोस्वामी तुलसीदास उसकी रामचरित मानस से भी द्रोह करने लगे, उसको फाड़ना कितना बड़ा अपराध है। लेकिन मैं कहता हूं, हम उस अपराध की सजा, मैं हिंदू समाज से भी कहूंगा, उस अपराध की सजा धरातल पर न दे करके इनको दूसरी तरीके से देनी है, जिससे इनका राजनीतिक का जो कैरियर है वही समाप्त होने वाला है। समाजवादी पार्टी का अंत जो है इनके ताबूत की आखिरी कील साबित होगा इस तरह का बयान और रामचरितमानस को फाड़ना। हिंदू समाज को न कभी कोई खतरा था, न कोई खतरा है, न कभी खतरा रहेगा। ठीक अनुराग जी, अब सबकी बातों का। हाँ, अब देखिए सवाल है, उनको सनातन धर्म की चिंता नहीं है, उनको चिंता है समाजवादी पार्टी कब खत्म होगी, इसकी चिंता है। तो इसलिए मैं तो सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ, सनातन धर्म इतना कमजोर कब से हो गया, हजारों हजारों साल से सनातन धर्म चला आ रहा है, ना जाने कितने, ना जाने कितने यहाँ पे आए, अब मैं बोल लूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, देखिए ना जाने कितने यहाँ पे आए शासक चले गए, सनातन धर्म का कोई बाल बांका कर पाया क्या? इतना कमजोर सनातन धर्म नहीं है कि कोई बोल देगा कि सीता टेस्टी बेबी थी, सीता माँ, तो हमारा सनातन धर्म खतरे में आ जाएगा। कोई बोल देगा कि यहाँ पे प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं थे तो सनातन धर्म खतरे में आ जाएगा। हमारा सनातन धर्म इतना हल्का नहीं है कि हमेशा हर बात पे राजनीतिक एंगल निकाल के खतरे में आ जाएगा। चर्चा की तरह होनी चाहिए। अब क्यों आप बीच में बोल रहे हैं? मैं आपके बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, तभी तो बात हो पाएगी। तो मैं कह रहा था कि सनातन धर्म पे जब बात होती है तो सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है, तो इसलिए सनातन धर्म की बात करते करते आप राजनीतिक पे आ जाते हो, ये चिंता का विषय है देश के अंदर में। आपको अगर सनातन धर्म पे बात करनी है तो आप धर्म पे बात कीजिए, आप उसमें राजनीतिक एंगल कहां घुसाने लग जाते हो, और जब राजनीतिक एंगल घुसाने लग जाते हो तो कहां कहां भाग के चले जाते हो, इधर से उधर, उधर से इधर। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, सनातन धर्म को कमजोर मत समझिए। और समाजवादी लोग हर धर्म का सम्मान करने वाले हैं, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग हैं। मैंने कहा ना, सनातन धर्म किसी के, आप उन्होंने, मैंने बोला टेस्टी बोल दिया, सीता माता, क्या आवाज नहीं जा रही, इसलिए चुप हो जाइए अभी। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि एक बार में हम एक ही, जिससे मैंने प्रश्न किया उन्हीं की आवाज है। प्लीज, हम लोग यहाँ आज तक पे शाउटिंग मैच नहीं करते। हाथ खड़ा कीजिए सर, मैं आऊंगी, कोशिश करूंगी। ब्रजलाल जी, इसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास, बात पूरी कीजिए। तो वही मैं आपसे कह रहा था कि सनातन धर्म को आप राजनीति से मत जोड़िए, कृपया करके। आपको राजनीति करनी है, विकास की राजनीति कीजिए, राजनीति करनी है जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको कैसे दूर किया जाए उस पर राजनीति कीजिए, कैसे समाज के अंदर में यूनिटी बनी उस पर राजनीति कीजिए, कैसे भाईचारा पैदा हो उस पर राजनीति कीजिए, हिंदुस्तान कैसे मजबूत हो उस पर राजनीति कीजिए, कैसे यहां महिलाओं का सम्मान बचे उस पर राजनीति कीजिए। आइए हम सब मिलकर, एक साथ मिलकर राजनीति करते हैं। लेकिन राजनीति नफरत की राजनीति क्यों भाई, हर बात पे इसकी राजनीति। तो इसलिए कहते हैं इसको ज्यादा, इस बातों को उतना बढ़ावा देने का मतलब होता है कि आप उसमें सनातन धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, ये हमारे लिए चिंता की बात है। आप जोड़ने की बात कीजिए, आप तोड़ने की बात मत किया करो, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत प्यारा देश है।